एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की विंटर स्पेशल रेसिपी है, ये देखिए, ये है शकरकंदी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो विंटर्स में हमें किसी भी तरीके से ज़रूर खाना चाहिए। और यहाँ देखिए, मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। बॉईल अगर आप कुकर में करेंगे तो ये मैशी हो जाते हैं, तो आप इस तरह करिए। देखिए, मैंने कढ़ाई में पानी रख लिया था और उस पर एक स्टैंड लगा के छन्नी, स्टील की मेरे पास छन्नी है, तो मैंने उसी में ही शकरकंदी रख लिए थे वॉश करके। और इनको आप टच करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, उस टाइम आप गैस बंद कर दीजिए। और देखिए, मैंने दो शकरकंदी को प्लेट में निकाल लिया, इनको मैं पील कर लूँगी। और इसके बाद मैंने ये देखिए कितने ईजिली कट हो रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगर आप कुकर में करेंगे ना तो एक तो इनका टेस्ट चला जाता है और ये इस तरह सॉफ्ट नहीं, बहुत मैशी से हो जाते हैं। तो आप इनको स्टीम कीजिए इस तरह। और देखिए, मैंने ब्लैक साल्ट, और मैं भी शकरकंदी का चाट बना रही हूँ, बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम होता है। और मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा नींबू ऐड कर लिया है, लेमन जूस, अब चाट मसाला थोड़ा सा, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। आप मार्केट्स में कई बार खाते होंगे। और अगर आपको इसको स्मोकी फ्लेवर चाहिए, तो जब आपने इसको बॉईल किया था उसके बाद आप इसको आयरन के तवे पे इसको थोड़ा सा घुमाते हुए सेक लीजिए, उसके अंदर तब इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। और लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं करके दिखाया है। अब अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो आप उस तरीके से उसको तवे में घुमाते हुए सेक लीजिए, थोड़ा सा इसकी स्किन बाहर की जल जल सी जाती है, तो इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। और ये हमारी शकरकंदी की चाट रेडी है। चलिए दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब जो मेरे पास दो शकरकंदी और बची हुई है ना फ्रेंड्स, अब मैं इनका यूज़ करूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पानी रखा था और ऐसे ही आपको इनको बॉईल करना है। कोई एक स्टैंड लगा लीजिएगा, कोई भी एक स्टील की छन्नी। और यहाँ मैंने देखिए गुड़ को ग्रेट कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। और यहाँ मैंने शकरकंदी ले ली थी, ये भी थोड़ी गर्म ही हो रही है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें ना पहले 3-4 घंटे पहले बॉईल कर लीजिए, जिससे क्या होता है ये थोड़ी ड्राई हो जाती हैं। जैसे हम आलू के पराठे, अगर हम आलू को गर्म गर्म ही मैश करते हैं तो थोड़ा मैसी से होते हैं, अगर उनको पहले थोड़ा बॉईल कर लें तो थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, तो आलू पराठा बनाने में बहुत ईजी हो जाता है। और फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैंने आलू और शकरकंदी को दोनों को मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा मुझे थोड़ा इसका स्टिकी सा लगा, मैंने इसमें थोड़ा आटा ऐड कर लिया है। अब एक आटे की लोई बनाकर मुझे कटोरी शेप में कर लेना है और इसमें मैं अपनी फिलिंग ऐड कर लूँगी गुड़ और शकरकंदी की। ये गर्मा गर्म आप विंटर में खाइएगा, बहुत यम्मी और कितनी गर्माइश देगा। विंटर में तो शकरकंदी बहुत ही लाभदायक होती है और गुड़ के तो आप फायदे जानते ही हैं। तो चलिए, इन दोनों को मैं फिलिंग भर ली थी और मैं इनको ना हल्का हल्का साइडों से प्रेस करते हुए इनको मैं दबा लूँगी कुछ इस तरीके से। आप बेलन यूज़ करना चाहे तो बेलन से बना लीजिए, बस हल्के हल्के हाथ से बनाइएगा। और फिंगर से जहाँ मुझे लग रहा है मैं उसको प्रेस करते हुए घुमा रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है शकरकंदी में विटामिन बी, सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, कितनी सारी चीज़ों का हमें प्रॉफिट मिलता है। तो हमें विंटर्स में इनको अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए, मैं इसको सेक लेती हूँ और मैं इसको गर्मा गर्म ही बना रही हूँ, तो मैंने कोई लंच बॉक्स वगैरह में पैक नहीं करना है, तो मैं इनको इसको घी से बनाऊँगी। और ये देखिए, बहुत ही यम्मी और बहुत गर्माइश देगा ये। आप इसे बना के रेडी कीजिए। और जिनको चीनी का पराठा फेवरेट होता है ना, और आप गुड़ की जगह ना चीनी भी कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ आपको पता है कितना फ़ायदेमंद होता है हम लोगों के लिए। मैंने इसको सेक लिया नीचे से एक साइड से, और दूसरी साइड से मैं घी ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से घुमा लूँगी। थोड़ा सा इसको आपको बेलते समय थोड़ा परेशानी होगी, और अगर आपने इसको 3-4 घंटे पहले या फिर कहते हैं आपको मॉर्निंग बनाना है तो नाइट में ही इसको स्टीम कर लीजिए।
कुकर में करने से ना थोड़ा सा ये मैशी हो जाते हैं, इनका टेस्ट पूरा चला जाता है क्योंकि इनके अंदर पानी घुस जाता है। अगर आप इस तरह कढ़ाई में आपको इनको बॉईल करेंगे या स्टीम करेंगे ना, तो सच में फ्रेंड्स ये इनका टेस्ट भी वैसी का वैसी रहेगा और ना इनके अंदर पानी जाएगा। तो इस तरह बनाइए, इस तरह करिए। और देखिए मैं आपको दूसरा पराठा बना के दिखा रही हूँ। मैंने आटे की लोई ली, उसे कटोरी भर के कटोरी शेप में बना दिया था। ये देखिए मैं इसको साइडों से पहले प्रेस कर लूँगी जो कि कहीं से भी मोटा वगैरह ना रहे। और थोड़ा सा मैंने बेलन चला लिया था, अब मैंने इसको सेक लेना है। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी होता है, इसे एक बार बनाइएगा। और विंटर में तो ये बनाना बनता ही है। तो वेट किस चीज़ का, ट्राई करो, इन्जॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप इसे दूध, चाय, दही किसी के साथ भी खाइए। और मैंने यहाँ पे सर्व किया है इमली की चटनी और मलाई के साथ। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।